हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी, या आप चाहे तो तोरी बोलिए इसे। और ये सब्ज़ी कैसे बनाई हूँ वो शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो आप बच्चे तो बहुत चाव से खाएंगे, बड़े तो ऐसे खाते ही हैं, बच्चे भी टूट पड़ेंगे ऐसे सब्ज़ी पर। और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 1 किलो तुरई लिया है और तुरई को मैं छील लेती हूँ पहले। और मैंने 1 किलो तुरई लिया है, लेकिन मैंने सारे तुरई को नहीं बनाऊंगी, आधा ही काटूंगी, आधा बचा लूंगी। और देखिए मैंने छील लिया है, अब धो लेती हूँ एक बार साफ़ पानी से। और यहाँ पर मैंने साफ़ पानी से धो लिया है, अब चलिए हम कट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एकदम पतला कट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और बाकी का भी देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हल्दी डाल देते हैं और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मिलाकर हम साइड में कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। और हम दूसरा तैयारी कर लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर डाल देंगे 1 कटोरी बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आप चाहे तो यहाँ पर चावल के आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डाल देंगे नमक, और नमक हम यहाँ पर कम डालेंगे ताकि हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है, इसीलिए हिसाब से ही नमक डालें यहाँ पर। और इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम पेस्ट बनाएंगे, एकदम से पानी हम नहीं डालेंगे। और चलिए इसे हम फेंट लेते हैं, हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे, और ना ही ये इसका पेस्ट ना पतला बनाना है ना ही मोटा, जिस तरीके से हम पकौड़ी बनाते हैं आलू के उसी तरीके से हम बनाएंगे इसका पेस्ट। और चलिए पेस्ट बन के रेडी हो गया है, हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई रख दिया है गैस पर, ऑयल डाल दिया था पहले से ही। हम तोरी पकौड़ी को फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से डिप करके पेस्ट में। और यहाँ पर गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही करके फ्राई करेंगे। और ये पकौड़ी फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बड़े तो बहुत चाव से खाते हैं, छोटे भी खाने लग जाएंगे, बच्चे भी। और एक तरफ हो गया है, चलिए हम पलट लेते हैं, और जो बाकी बचा है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ये, आप चाहे तो चाय के भी साथ ऐसे खा सकते हैं। और देखिए ये फ्राई हो गया है, हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और दूसरा वेज भी ऐसे ही फ्राई। चलिए अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई रख दिया है गैस पर, पहले से ऑयल डाल दिया था। अब हम डाल देंगे सबसे पहले सरसों, और 1/2 चम्मच जीरा, और सरसों जीरा चटक गया है। अब हम डाल देंगे 2 प्याज कद्दूकस करके, और हम मिला लेते हैं। अब चाहे तो ऐसे भी कट करके प्याज डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करके डालने से जल्दी से कलर चेंज हो जाता है प्याज के, समय कम लगता है। और देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें 2 टमाटर, मैंने टमाटर को पीस के लिया है मिक्सी में, और मिला लेते हैं प्याज के अंदर अच्छे से। अब हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी के अंदर। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाले, और मिलाएंगे अच्छे से इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े पानी डालते हुए मसाले को बहुत अच्छे से पकाएंगे, और मसाला कच्चा रह गया तो ग्रेवी ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम गैस को मीडियम फ्लेम पे करके हम मसाले को अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर हम नमक डाल दिए हैं स्वाद अनुसार, और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। और देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छा से पक गया है, और तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब हम डाल देंगे पानी, और यहाँ पर हम पानी कम डालेंगे, और आपको जितना
पतला या मोटा ग्रेवी पसंद है उतना पानी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम जो फ्राई करके पकौड़ी रखा है तोरी का, इसमें हम डाल देते हैं। देखिए एक उबाल आ गया है ग्रेवी के अंदर। और पकौड़ी डालते समय हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम डाल देंगे धनिया। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।